मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है हम मुमरा के सैनिक नगर में और आपको बता दें कि ये जो मुमरा बाईपास है इससे बिल्कुल लगकर जो है मुमरा का सैनिक नगर इलाका है और आज करीब रात में 2 बजे के दरमियान जो है यहाँ पर भयानक आग लग गई। जैसे ही आग की खबर इलाके में लगी अफरा तफरी का माहौल हो गया और बताया जा रहा है कि जो ये आग लगी थी ये आज करीब रात में 2:30 बजे के दरमियान 2 से 2:30 बजे के दरमियान जो है भयानक आग लगी। जैसे ही आग की सूचना दमकल विभाग को मिली मौके पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियां यहां पर पहुंची और जिस तरह से ये भयानक आग लगी हुई थी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और कारोबार ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में आग लगना और लाखों का माल जलकर इस तरह से राख होना यानी कि एक बड़ी संख्या में जो है नुकसान हुआ है। लेकिन फिलहाल बता दें ये जो कारखाना यहाँ पर था यहाँ पर जो है नौश पीस और नकाब ऐसे चीज़ बनाने का यहाँ पर काम किया जा रहा था लेकिन फिलहाल जो है लॉकडाउन होने की वजह से अब जो है यहाँ पर मास्क बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन आग कैसे लगी है और आग लगने की वजह से जो है काफ़ी यहाँ पर जो है नुकसान हो गया है लेकिन जो इस कारखाने के मालिक हैं हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर आग लगने की वजह क्या है। क्या नाम है आपका और ये आपका जो कारखाना था इसमें क्या चीज़ का कारोबार होता था और ये आग कैसे लगी? ये मेरा नाम खुर्शीद अहमद कुरैशी है। ये मेरे पिताजी यहाँ पे गरीब जो होते गरीब औरतें उनके आदमी नहीं काम कर सकते आदमी नहीं है उनकी सेवा के लिए ये कारखाना खोला गया था कि वो अपना कमाए खाए गुजारा करे। और मेरी शादी के बाद मेरे सास ससुर ने और मेरे साले ने इसका नाम है आम मेरे सास का नाम है रजिया अहमद रजिया हुसैन चौधरी ससुर का नाम है हुसैन चौधरी साले का नाम है अहमद चौधरी और मेरी सालियां है सब है मतलब। और इन लोग ने मेरे को कैसा जब मेरा बच्चा मेरा पैदा हुआ था तो 15 दिन के बाद में मेरी माँ से मिलाने के लिए मैं मेरे घर पे लेके गया था तो उसने धमकी दी मेरी औरत ने और मेरे साले ने कि तू मेरे हमारे बच्चे को कैसे लेके गया मिलाने के लिए देख हम लोग क्या करते तेरा। उसके बाद में इन लोग ने चौकी में एनसी डाले मेरे नाम पर वो एनसी भी है मेरे पास। उसके बाद में फिर मैंने रूम अलग भाड़े पर लिया मेरी औरत को ला के रखा 4 दिन थी। उसके बाद में फिर यहाँ पे मेरे जो कारीगर लोग है काम करते लेडीज़ गरीब लोग उनको मारे मार के कपड़ा फाड़ के फेंके सब कुछ किया लोग ने। चौकी में हम लोग गए इंची डालने के लिए तो क्या मालूम क्या मेरा जो साला है अहमद चौधरी उसको जेडी जेडी बोलते हैं वो ड्रग सप्लायर है MD बच्चे। आग कैसे लगी उसके बारे आपको पूरा सुन लीजिए आप। ये सब नशे का सामान बेचता है और इसने मेरे को ना 3-4 बार मारने की धमकी दिया। मेरे सास ससुर मेरे साले ने मेरे को क्या बोला कि अगर मेरी बहन के हिसाब से तू रहेगा नहीं तो तेरा कारखाना हम लोग बर्बाद कर देंगे तो रोड पे ले आएंगे हम लोग। उसके बाद में आज के दिन मेरी औरत को मैंने रंगे हाथों मैंने मैसेज पे व्हाट्सएप पे पकड़ा वो दूसरे लड़के हिंदू लड़के के साथ में अफेयर था उसका मैंने उसके भाई को भेजा उसके बाप को भेजा उसने अपने बहन लोग को मारा घर में आज के दिन अपने घर में खुद मेरे साले ने मेरी औरत को मारा अपनी साली को मारा घर में बाटला खोड़ के सबको भी आ रहा था जलाने आग लगाने। जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ पे आप आके इंक्वायरी कीजिए आज वहाँ पे हादसा हो चुका है। और उसने मेरे को धमकी भी दिया कि आज तेरे कारखाने में मैं आग लगा के जाऊँगा तो जो उखाड़ना तेरे को उखाड़ ले मेरा। ये साले ने मेरे को बोल के गया फ़ोन पे मुझको बुला सब कुछ किया और आज उसने ये सब करके गया। इससे पहले भी जो कारखाना कारखाना काय चीज़ का था ये जो क्या चीज़ यहाँ पर बनाया जाता था बेबी का स्कार्फ का कारखाना था और अभी फिलहाल जब से बंदी है तब से मास्क बना के गरीबों के लिए सप्लाई कर रहे थे हम कि कोई वायरस के लिए पकड़ा हो ना किसी को। ये देखिए ये इंसान ने आग लगाया है ये इंसान ने आग लगा के गया चैलेंज किया था मेरे को कि कारखाना मैं तेरा बर्बाद कर दूंगा आग लगा दूंगा और आज ये करके गया है अपनी बहन को मारा अपने सबको मारा इसने घर पे बाटला फोड़ने जा रहा था आज। इसको गौर से देखो सबसे बड़ा आरोपी है ये ड्रग सप्लायर भी है बड़े बड़े इसकी पोच भी है बड़े बड़े यहाँ के जो है ना लोग उसका साथ देते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो यहाँ जो कारखाने के मालिक हैं उन लोगों का कहना है कि जो इनका पारिवारिक विवाद था और पारिवारिक विवाद में जो इनके जो रिश्तेदार है उन्हीं के द्वारा जो ये आग लगाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्हीं लोगों ने आग लगाया। बहरहाल ये जाँच का विषय है कि आखिर आग लगी कैसे है ये जाँच में ही पता चलेगा कि क्या वाकई में इनके रिश्तेदार ने आग लगाया है या आग लगने का कारण कोई और है। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान प्रहार टाइम्स मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।